क्यों रतन टाटा इंडिया का सबसे बड़ा एनिमल हॉस्पिटल बना रहे हैं। सालों पहले रतन टाटा के एक डॉग को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए इंडिया में उनको कोई एप्रोप्रिएट वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं मिलता, तो उनको अपने डॉग को ले जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा जो US में है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर्स को डॉग के जॉइंट को एक पर्टिकुलर पोजिशन में फ्रोज करना पड़ा। लेकिन वहां जाकर रतन टाटा ने ये एक्सपीरियंस किया कि वर्ल्ड क्लास वेटरनरी हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज होती हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। एंड ऑल्सो ही बिलीव कि आजकल पेट किसी फैमिली मेंबर से कम नहीं है और वो खुद भी एक पेट लवर है, तो उन्हें लगा कि भारत को एक वर्ल्ड क्लास वेटरनरी हॉस्पिटल की जरूरत है। और आज रतन टाटा का ये लॉन्ग पेंडिंग पेट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। 2.2 एकड़ में बना 165 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ये हॉस्पिटल 200 पेशेंट्स की कैपेसिटी रखता है अपने ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग में, जहां 24/7 सर्विसेज अवेलेबल होंगी, जिसको लीड करेंगे थॉमस हेथकॉट। इस हॉस्पिटल का टाई अप 5 और UK बेस्ड वेटनरी स्कूल्स के साथ है, इंक्लूडिंग रॉयल वेटनरी कॉलेज ऑफ लंदन फॉर ट्रेनिंग, जो ऑफर करेंगे सर्जिकल डायग्नोस्टिक एंड फार्मेसी सर्विसेज फॉर डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। तो मैं तो चला अपने डॉग का इलाज करवाने, और आप फॉलो करना मत भूलना।